वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक अवार्ड से रिलेटेड है। ये अवार्ड क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है और इस बार यानी कि 2020 में इसका कौन सा संस्करण दिया गया है। तो दोस्तों, इस अवार्ड के जरिए मैं एक चीज़ आपको और बताऊँगा कि ये अवार्ड आखिर किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज नीचे सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन को दबा लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है बाफ्ता अवार्ड से। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि ये 2019 का अवार्ड दिया गया है, 2020 को इसका जो है 73वां संस्करण सेलिब्रेट किया गया। और आपको बताना चाह देंगे कि ये 2 फरवरी 2020 को इस अवार्ड को दिया गया है। अब आगे चलते हैं, रुख करते हैं इन सभी प्रश्नों के ऊपर जो कि आपको मैं बताना चाहता हूं। तो पहला प्रश्न बनता है कि आखिर बाफ्ता का संपूर्ण नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे आंसर करेंगे आप लोग ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड। जी हाँ, इसका पूरा नाम है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर ये पुरस्कार है क्या। तो इस पुरस्कार के तहत यहाँ पे फिल्म, टेलीविजन और वीडियो गेम्स के अधीन जितने भी रिवॉर्ड यानी कि अवार्ड दिए जाते हैं, इनके बेस्ट ऑफ अवार्ड में दिए जाते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज और भी बताना भूल गया कि ये इंस्पायरिंग पेटिशनर और बेनिफिट पब्लिक को भी हो सकता है इसके माध्यम से। जी हाँ, यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें लिख दी हैं जो कि सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, डेवलप करता है ऐसे फॉर्म्स को जो कि मूविंग इमेज, जिससे कि हम फिल्म देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, वीडियो गेम्स वगैरह देखते हैं, वैसे क्षेत्र में ये अपना अवार्ड देता है। बाफ्ता याद रहेगा, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। इसे मैंने हिंदी में भी यहां लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा वाइट एजुकेशन के टेलीग्राम पे, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यहां पर उठता है कि बाफ्ता अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है ना, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत की गई थी 1946 में, याद रखिएगा, है ना। लेकिन इसको फॉर्मेशन, इसको जब दिया गया अवार्ड, ये 1947 में दिया गया। और इस बार 2020 में, है ना, 2020 में इसका 73वां संस्करण सेलिब्रेट किया गया। और इसको बाफ्ता को सबसे पहले 73 साल पहले, मतलब इसको ब्रिटिश फिल्म एकेडमी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाफ्ता को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रिटिश फिल्म एकेडमी के नाम से ये जाना जाता था। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर जरूर पूछ सकता है कि बाफ्ता का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये याद रखिएगा, पिकेडली लंदन में इसका, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, याद रहेगा। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए आगे प्रश्न आता है कि सर्वश्रेष्ठ बाफ्ता फिल्म पुरस्कार 2020 के लिए, है ना। अब ये क्वेश्चन आपके 2020 से रिलेटेड होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, 10 प्रश्न तो आपको यहाँ पे उत्तर जरूर आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, है ना, स्टार मार्क है जो 10 प्रश्न तक मैंने आपको शेयर किए हैं इन सभी प्रश्नों को। तो सर्वश्रेष्ठ बाफ्ता फिल्म अवार्ड दिया गया दोस्तों, बेस्ट फिल्म है 1917। ठीक है, ये फिल्म है, ये हॉलीवुड की फिल्म है, 1917। ठीक है, तो इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड किया गया, तो ये याद रखिएगा ये एक ब्रिटिश फिल्म ही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1917 जो है एक क्या ब्रिटिश फिल्म ही है, क्योंकि बाफ्ता में आपको और भी, जैसे कि अमेरिका भी है, यूएसए जो है, उसके फिल्मों को भी यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में अक्सर, है ना। तो याद रखिएगा, इस बार ब्रिटिश फिल्म को ही ये सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, जिसका नाम है 1917। अच्छा, सातवां क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस, है ना, अभिनेत्री, याद रखिएगा अभिनेत्री की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि हीरोइन की बात हो रही है। तो ये है दोस्तों रेनी जेनवेगर, नोट कर लीजिएगा, इनको जूडी के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिल्म है जिनके लिए इनको चुना गया था, इनको नॉमिनी में रखा गया था, तो ये फिल्म जूडी के लिए इनको अवार्ड दिया गया, रेनी जेलवेगर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इनको आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और ये जो अवार्ड इनके हाथ में आप देख रहे हैं,
यही है वो बाफ्ता अवार्ड, ठीक है। इसका जो लोगो है यही है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड का, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न है हमारा आठवां कि बाफ्ता फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2020 किसने जीता है, यानी कि हीरो कौन बने हैं इस साल के सर्वश्रेष्ठ। तो याद रखिएगा इनका नाम है जॉकलिन फोनिक्स विंस द लीडिंग एक्टर एट द फॉर द जोकर। ये फिल्म जोकर के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे बाफ्ता फिल्म अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है दोस्तों जॉकिन फेनिक्स। देख सकते हैं आप इनको तस्वीरों में, ठीक है। और इनको अवार्ड दिया गया है दोस्तों इस साल का बेस्ट एक्टर का बाफ्ता पुरस्कार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सर्वश्रेष्ठ बाफ्ता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 10 तक तो जो मैंने क्वेश्चन आपको ये दिए हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क के साथ इसको याद रख लीजिएगा। एक नंबर या दो नंबर में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सपोर्टिंग एक्टर के रूप में दिया गया है दोस्तों यहाँ पे ब्रैड पीट को। ये बहुत ही फेमस कलाकार है हॉलीवुड के, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड इस फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। याद रहेगा आप इनको तस्वीरों में भी देख सकते हैं और इनको शायद आप पहचान भी लोगे, ठीक है। तो ब्रैड पीट है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ बाफ्ता बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, जी हाँ एक्ट्रेस होगा ये एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है माफ कीजिएगा एक्ट्रेस होगा, है ना, एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया। तो ये दिया गया दोस्तों लॉरा डर्न को, किस फिल्म के लिए, तो मैरिज स्टोरी के लिए। ये आप इनको तस्वीरों में देख सकते हैं, इनको दिया गया बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार दोस्तों, नोट कर लीजिएगा लॉरा डर्न को मैरिज स्टोरी के लिए, ओके। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और आगे कुछ प्रश्नों के साथ जो कि 20 ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको आप वन लाइनर के रूप में देख सकते हैं। ये देखिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया दोस्तों सैम मेंडेंस को 1917 फिल्म के लिए, है ना। बेस्ट कास्टिंग के लिए अवार्ड दिया गया साइना मार्कोविट्स को जोकर फिल्म के लिए। और डबल ई राइजिंग स्टार अवार्ड दिया गया माइकल वार्ड को, बेस्ट फिल्म गैर अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया जो कि पैरासाइट को मिला है। तो यहाँ पे देखिए गैर अंग्रेजी भाषा यानी कि जो अगर इंग्लिश वाली फिल्म नहीं भी है यानी कि लंदन की फिल्म नहीं भी है तो उसको भी अवार्ड दिया गया है यहाँ पे, तो पैरासाइट ये अवार्ड दिया गया है इस फिल्म को। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए दिया गया है ग्रेग बटलर ग्यूलम रेचुरन और डोमिनिक टिहू को, किस फिल्म के लिए, तो 1917 के लिए। कुछ और प्रश्न है, बेस्ट एडेप्टिव स्क्रीन प्ले ताका वेटी को दिया गया जोजो खरगोश के लिए, ये फिल्म का नाम है जोजो खरगोश, है ना। बेस्ट ओरिजिन स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है हॉन जिन वोन को बोंग जुन हो को, इन दोनों को अवार्ड दिया गया बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड, ठीक है, फिल्म पैरासाइट के लिए। याद रखिएगा इसका डाटा आप लोग लिख लीजिएगा, या तो आप लोग एक बार लिखने के बाद याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लिए दे दिए हैं, एक ब्रिटिश राइटर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर द्वारा उत्कृष्ट डेब्यू के लिए अवार्ड दिया गया है किसको, तो मार्क जेनकिन और केट वायर्स और लिन वाइट को। ये दिया गया है दोस्तों एक राइटर के लिए, है ना, इनको दिया गया है डायरेक्टर के लिए और इनको दिया गया है प्रोड्यूसर के लिए डेब्यू करने के लिए, ठीक है। तो कौन से फिल्म में, तो बैस, फिल्म का नाम है बैस, ओके। अगला क्वेश्चन है बन सकता है यहाँ पे कि बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए दिया गया है हिंड्यूर गुवेन तोदीतर को, ठीक है, नोट कर लीजिएगा हिंड्यूर गुवेन दोतीर को। ये फिल्म जोकर के लिए दिया गया है अवार्ड इनको, ठीक है। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए अवार्ड दिया गया है दोस्तों रोजर डिकिंस को फिल्म 1917 के लिए, ठीक है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आ सकता है, तो आप आंसर जरूर दे के आइएगा। अब देखिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए अवार्ड किसको दिया गया है, तो फिल्म समा को दिया गया है और ये इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं वर्ड ऑल कटेप और एडर वर्ड्स को, ठीक है, समा के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है सर्जियो पाब्लोस को और जिनको गोटो को, फिल्म क्लास के लिए, ओके, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए। बेस्ट एडिटिंग के लिए बैकलैंड और माइकल मैक्सकेयर को दिया गया है अवार्ड, ये किस फिल्म के लिए, तो ले मैन 66 को लिए, यहाँ पे बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड दिया गया है इनको। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए अवार्ड दिया गया है दोस्तों डेनिस ग्रेसर और ली सैंडल्स को,
1917 मूवी के लिए। तो 1917 जो मूवी है बहुत अच्छी मूवी है, इसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। इसको बहुत सारे अवार्ड इस बार दिए गए हैं। बेस्ट कस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड दिया गया दोस्तों जैकलिन दुरान को, जो कि लिटिल वुमेन के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव में भी करा सकता था, लेकिन यहां से मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन बने ऑब्जेक्टिव में पूछे जाए, तो बस नाम याद रखना आपको, ठीक है। चलिए बेस्ट मेकअप एंड हेयर, तो ये मिला है विवियन वेकर, काजू हीरो और एनी मॉर्गन को फिल्म बॉम्बे बॉम्ब सेल के लिए, ठीक है। बेस्ट साउंड, तो स्कॉट मिलन, ओलिवर टॉनी, रॉचल टेट, मार्क टेलर, स्टुअर्ट विल्सन फिल्म 1917 के लिए। बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट एनिमेशन, तो मरियम मुहजर को मिला है ग्रैंडेड वॉज द अरोमांटिक, ठीक है, ग्रैंडेड वॉज अरोमांटिक रोमांटिक ये फिल्म के लिए इनको अवार्ड दिया गया है बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट एनिमेशन के लिए। और बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म के लिए तो ये मिला है दोस्तों कैरोल डिनसिंगर, एलेना आंद्रेचेवा, जी हाँ, ये किस फिल्म के लिए, तो इफ यू वेयर अ गर्ल, ठीक है, इस फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, शॉर्ट फिल्म है ये। फिल्म के लिए उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान, ये अवार्ड मिला है एंडी सर्किस को, फिल्म के लिए उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान दिया गया है इनको, तो एंडी सर्किस को। और बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड किसको मिला है, याद रखिएगा कैथलीन कैनेडी को। तो दोस्तों आपके लिए ये टोटल 31 क्वेश्चन ये आपको दिया गया है। अगर ये MCQs में कहीं भी टेस्ट में या फिर आपके आने वाले एग्जाम में कहीं भी पूछे जाएं, तो आप इसको याद रखिएगा, एक झलक देख लीजिए, इसको नाम याद रखिए, ध्यान रखिएगा और रिपीटेशन करके याद करते रहिएगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। थोड़ा सा नाम इंग्लिश है सारे के सारे, बस नाम याद करने में दिक्कत होगी, तो उसको एक बार एक लिस्ट में बना के जो PDF मिलेगा आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिस्ट में बना के रखिएगा, एक एक झलक देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारे साथ यहाँ बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के बिल्कुल नहीं भूलेंगे। टेलीग्राम पे इसका मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि जनरल साइंस का वीडियो होगा और वो वीडियो आपको शायद 1 बजे दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आप वहां से जाके उसको भी देख सकते हैं। ओके, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।